आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं विवेक श्रीवास्तव फिर आपके सामने एक और छोटी सी कहानी लेकर आया हूं। एक पुराना ग्रुप कॉलेज छोड़ने के बहुत दिनों बाद मिला। वे सभी अच्छे कैरियर के साथ खूब पैसा कमा रहे थे। वे अपने सबसे फेवरेट प्रोफेसर के घर जाकर मिले। प्रोफेसर साहब उनके कामों के बारे में पूछने लगे। धीरे धीरे बात लाइफ में बढ़ती स्ट्रेस और काम के प्रेशर पर आ गई। इस मुद्दे पर सभी एक मत थे कि भले वे अब आर्थिक रूप से बहुत मजबूत हों, पर उनकी लाइफ में अब वो मजा नहीं रह गया जो पहले हुआ करता था। प्रोफेसर साहब बड़े ध्यान से उनकी बातें सुन रहे थे। वे अचानक ही उठे और थोड़ी देर बाद किचन से लौटे और बोले, डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए गर्मा गर्म कॉफी बनाकर लाया हूं, लेकिन प्लीज आप सब किचन में जाकर अपने अपने लिए कप्स लेते आइए। लड़के तेजी से अंदर गए। वहां कई तरह के कप रखे हुए थे। सभी अपने लिए अच्छे से अच्छा कप उठाने में लग गए। किसी ने क्रिस्टल का शानदार कप उठाया, तो किसी ने पोर्सलिन का कप सिलेक्ट किया, तो किसी ने शीशे का कप उठाया। सभी के हाथों में कॉफी आ गई। तो प्रोफेसर साहब बोले, अगर आपने ध्यान दिया हो तो जो कप दिखने में अच्छे और महंगे थे आपने उन्हें ही चुना और साधारण दिखने वाले कप की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। जहां एक तरफ अपने लिए सबसे अच्छे की चाह रखना एक नॉर्मल बात है, वहीं दूसरी तरफ यही हमारी लाइफ में प्रॉब्लम और स्ट्रेस लेकर आता है। फ्रेंड्स, ये तो पक्का है कि कप कॉफी की क्वालिटी में कोई बदलाव नहीं लाता। ये तो बस एक जरिया है जिसके माध्यम से आप कॉफी पीते हैं। असल में जो आपको चाहिए था वो बस कॉफी थी, कप नहीं। पर फिर भी आप सबसे अच्छे कप के पीछे लग गए और अपना कप लेने के बाद दूसरे के कपों को देखने लगे। अब इस बात को ध्यान से सुनिए, ये लाइफ कॉफी की तरह है। हमारी नौकरी, पैसा, पोजीशन कप की तरह है। ये बस लाइफ जीने का साधन है, खुद लाइफ नहीं है। और हमारे पास कौन सा कप है ये ना हमारी लाइफ को डिफाइन करता है और ना ही उसे चेंज करता है। इसलिए कॉफी की चिंता करिए, कप की नहीं। दुनिया के सबसे खुशहाल लोग वो नहीं होते जिनके पास सब कुछ सबसे बढ़िया होता है। खुशहाल वे होते हैं जिनके पास जो होता है बस उसका सबसे अच्छे से यूज करते हैं, इंजॉय करते हैं और भरपूर जीवन जीते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही कुछ चुनिंदा कहानियों के साथ फिर मिलने का वादा करते हुए मैं विवेक श्रीवास्तव आपसे इजाजत लेता हूं। नमस्कार।